हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय फिंगर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उखड़ी से मोदक। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम पैन में लेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी और 1/2 कप दूध लिया, जिसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला और थोड़ा सा नमक डाल के फिर हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। तो चावल का आटा यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है और इसे अब अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है, कंटिन्यूसली हमें इसे चलाना है। हमें एक बार जब पानी और दूध बॉईल हो जाए उसके बाद ही चावल का आटा डालना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सॉल्ट डालने के बाद तुरंत चावल का आटा डाल दें। अगर आपके पास हो तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच साबूदाने का आटा भी डालें। अब इसे हमें ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये थोड़ा डो जैसा, मतलब आटे जैसा बन जाए, रोटी के आटा जैसा होता है वैसे बन जाए, तब हमने इसको ढक के 2 मिनट लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। अब इसे बाहर निकालने के बाद 2 मिनट रुकने के बाद तुरंत ही हम इसे अच्छे से नीड करना शुरू करेंगे। तो हाँ, ये थोड़ा गर्म होगा बट आपको इसको तुरंत ही नीड करना पड़ेगा, वरना आपके जो मोदक हैं वो नहीं बनेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने पैन में लिया 1 चम्मच घी, जिसमें मैंने डाल दी थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच खसखस या पॉपी सीड्स। तो आपको ड्राई फ्रूट्स जो पसंद हो, जितने पसंद हो, आप उतने ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप जैगरी यानी गुड़ डाल दिया और इसे जब तक गुड़ पिघला नहीं तब तक पका लिया। फिर उसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास मोदक का मोल्ड है, जिसे अंदर से मैं ग्रीस कर लूँगी घी से, और इसमें अब हम ये अपने मोदक बनाएंगे। तो ये जो हमारा चावल का आटा था, पहले हम इसे अच्छे से भर लेंगे। तो हमें इसे साइड साइड्स पर लगाना है, बीच में हम फिलिंग भरेंगे। तो आप इसे ऐसे लगाएं कि बीच में फिलिंग भरने की जगह मिल सके। दबाते हुए लगाना है इसे, दबाते हुए जाना है हमें साइड्स की तरफ, तो ही एक फर्म लेयर बन पाएगी। और ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो हम इसे ऐसे दबाते जाएंगे जब तक कि देखिए ढंग से एक लेयर ना बन जाए, क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आप ये फर्स्ट टाइम या आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं बनाया हुआ है, तो आप इसे प्रेफर मैं करूँगी कि आप मोदक मोल्ड से ही बनाएं। हाथ से बनाने से थोड़ा मुश्किल होता है, मैं भी मोदक के मोल्ड से ही बनाती हूँ। ध्यान दीजिएगा कि टॉप पोर्शन पे भी मोटी लेयर नहीं आनी चाहिए चावल के आटे की। और आपको अगर ऐसा लगे कि बीच में कहीं से होल हो गया या कहीं पे नहीं लगा है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं। और बीच में अब अच्छे से हम ये फिलिंग भर देंगे। जो मोदक का मेन टेस्ट है वो ऑब्वियसली इस फिलिंग की वजह से ही आएगा। गुड़ मैंने 1/4 कप जितना लिया था, यानी कि कोकोनट जितना आप लेंगे उसका 1/2, तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कोकोनट यूज़ किया था ग्रेट करके। अब हम ऊपर का पार्ट जो है उसे ऐसे कुछ कवर कर लेंगे। इसके लिए भी आपको एक सेमी थिक लेयर लगानी है। अगर आप बहुत पतली लेयर लगाएंगे तो स्टीम करते वक्त वो टूट जाएंगे मोदक, और अगर मोटी लेयर लगाएंगे तो वापस खाने में वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। वापस सेमी थिक लेयर लगाई और उसे भी एकदम अच्छे से प्रेस कर लिया। अब हम इस मोल्ड को खोलेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल आएंगे। देखिए कितना अच्छा बनाएंगे मोदक। बस अब ऐसे ही हम अपने सारे मोदक को शेप कर लेंगे। आटा भर लेंगे, सबसे पहले एक आटे की पतली लेयर लगा लेंगे, फिर उसके बाद अंदर फिलिंग, और ऊपर से भी इसे अच्छे से ढक लेंगे। दबा अच्छे से हमें दबा दबा के करना है ये काम साइड्स पे। आप इसे बनाते वक्त बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, वरना ये फट सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस से अब हम सारे मोदक बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया, यानी कि हमें अब इन मोदक को स्टीम करना है। तो आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। तो मैं ये ऐसे नीचे एक प्लेट रख के, उसके ऊपर ऐसे प्लेट रख के हम मोदक डाल के, और दूसरी प्लेट से ऐसे ढक के कुछ ऐसे हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। इन्हें हमें 10 से 12 मिनट करीबन स्टीम करना है। देखिए हमारे मोदक एकदम रेडी हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ा सा केसर का दूध यानी सैफ्रन मिल्क डालेंगे, तो उससे थोड़ा येल्लो कलर आ जाएगा तो ये और ब्यूटीफुल लगने लगेंगे। आप इसे एक बार अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching.